मोनालिसा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम अब भोजपुरी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। वर्ल्ड फेमस शो बिग बॉस में आने के बाद उन्हें देश भर से प्यार और पहचान मिली है। अब उनको घर घर में एक पहचान मिल चुकी है। मोनालिसा ने अब तक भोजपुरी की 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह अपनी एक्टिंग के टैलेंट के साथ साथ डांस और अपनी अदाओं के लिए भी पॉपुलर हैं। खास बात यह है कि मोनालिसा ने अपने दम पर भोजपुरी फिल्मों में नाम कमाया है। वो हिंदी और भोजपुरी के अलावा बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये फेम और नेम थाली में परोस कर नहीं मिला, बल्कि इसे पाने के लिए मोनालिसा को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मोनालिसा के शुरुआती दिन अच्छे नहीं रहे। वो काफी गरीबी में पली बढ़ी हैं। अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने होटल में काम किया। तो हम आपको बताते हैं भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मोनालिसा की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मोनालिसा का असली नाम अंतरा विश्वास है। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा है। साल 1991 में आई आर्थिक मंदी का उनके घर पर भी असर पड़ा। उस वक्त उनके पिताजी का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था। मंदी के ऐसे समय में मोनालिसा अपने परिवार के साथ खड़ी हुई और 15 साल की छोटी उम्र में कोलकाता के होटल में रिसेप्शन पर जॉब करनी शुरू कर दी। मोनालिसा को इस जॉब के लिए रोजाना 120 रुपए मिलते थे। इन पैसों से वह अपने घर की मदद किया करती थी। मोनालिसा को बचपन से ही डांस का बेहद शौक था। वह खुद को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए तैयार करने लगी थी, लेकिन उनके घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी। इस चीज को लेकर उनके रिश्तेदार हंसते थे। रिसेप्शन पर काम करने के दौरान ही एक बंगाली फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद मोनालिसा ने मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें साल 1997 में हिंदी फिल्म जयते में काम मिला। मोनालिसा ने अपने करियर की शुरुआत में तमाम छोटे मोटे रोल किए। उन्होंने बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं में भी काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान और फेम भोजपुरी फिल्मों से ही मिला। वह भोजपुरी फिल्म कहां जई बा राजा नजरिया लड़ाई के में पहली बार दिखी थी। इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा और आज वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। अंतरा विश्वास को मोनालिसा के नाम से उनके चाचा बुलाते थे और फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्होंने चाचा के दिए नाम को अपनी पहचान बनाया और आज दुनिया उन्हें मोनालिसा नाम से ही जानती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि मोनालिसा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है।